सिकंदरीन, तुम्हारा आज का डे का बहुत अच्छा है, तुम रोज इंप्रूव कर रही हो। थैंक यू सो मच। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, टेक ऑफ, तरक्की, इंप्रूवमेंट। तुम हमेशा ठीक कहा करती हो, बुलंदी से गाड़ियां वाकई डिंकियां ही दिखाई देती हैं। घर बिल्कुल डॉल हाउसेस लग रहा है ना, बुलंदियों से इंसान बौने, दरिया नदियां, घर घरौंदे और गाड़ियां डिंकियां ही दिखती हैं। फ्लाइंग करते करते तुम तो फ्लास्टर हो गई हो। आदमी चाहे फजा में हो लेकिन पांव जमीन पर ही रहने चाहिए। वेल सेड। नो यंग मैन, ये क्वालिटी नहीं चलेगी। सिकंदरीन का क्या बना? सर घर पर भी नहीं है और मोबाइल भी बंद है। इडियट, मोबाइल क्या होता है? सेलुलर फोन को मोबाइल तो कोई चीज भी हो सकती है। होपलेस, ऑल ऑफ यू वेरी होपलेस। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब चल कैसे रहा है। आप लोगों की मौजूदगी में अखबार कैसे चल रहा है? असाइनमेंट रजिस्टर देखा तुमने? असाइनमेंट रजिस्टर सर? हाँ सर। नो सर, लेकिन देखना चाहिए था सर। तो फिर कहाँ ढूंढ रहे हो यार, क्या कर रहे हो? जाकर रजिस्टर चेक करो भाई, मैगजीन सेक्शन में किसी से पूछ दो, सिपरा को ट्रेस करो, शायद सिपरा को उसकी वेयर अबाउट्स का कुछ पता हो। लेकिन आपको तो खिजाब लगाने से फुर्सत नहीं मिलती। हरी आप शाबाश। Yes. Oh my God. भाई मैं इस लड़की से बहुत तंग आ गया हूं। ये हमारी क्रैश लैंडिंग करवा के खुद फ्लाइंग करती फिर रही। जर्नलिज्म का प्रोफेशन इतना डिमांडिंग है क्या सर? क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुमने डाइटिंग शुरू की? जिम ज्वाइन किया हुआ ना, लेकिन खाली फ्लैश से वेट कम तो नहीं ना होता। जैसा जा रहा है तुम्हारा अखबार। कॉफी पार्टी को छोड़कर अखबार पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कैसा चल रहा है। रीडर्स से पता चलता है बुद्धू। हेलो जी सर, एडिटर का फोन है सर। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, क्या कोई इमरजेंसी हो गई है? काम डाउन सर, ये तो होना ही था ना, चोर को चोर कहेंगे शोर तो मचेगा। अच्छा अच्छा कूल डाउन, बस मेरी एक मीटिंग है उसके बाद मैं आ रही हूँ। ओके बाय बाय बाय। बड़ा हौसला है भाई, इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी बड़ी खुशबाश लग रही है। यू आर राइट, शी वाज लुकिंग वेरी परफेक्ट, वेरी ब्रेव गर्ल। यस, ये सिकंदरी भाई क्यों लेट हो गई? एज यूजुअल, ये कोई नई बात है? मैं जो कह रही थी कि असल मसला तो ये है कि गुर्बत और जहालत रातों रातों खत्म नहीं हो सकती। चूल्हे इसलिए फट रहे हैं कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, घटिया मटीरियल, लो क्वालिटी कंट्रोल। हुकूमत के कान पर तो जो तक नहीं रेंगती, बस एक ही तरीका है, एक तरफ कोर्ट में जाएं, बड़े बड़े शहरों में वॉक्स ऑर्गेनाइज करें, पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें, सेमिनार्स हो, अखबारात में आर्टिकल्स छपे, मुख्तलिफ फोरम्स में डिस्कशंस हो। ये तो एक इशू है ना, यहाँ तो कदम कदम पर औरत एक्सप्लॉइट हो रही है। हाँ, तो इसमें हेडर की क्या बात?
यहाँ तो कदम कदम पे मर्द भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जिस सोसाइटी में मर्द भी गुलाम है वहाँ पे औरत की आजादी को एक नई इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत है, डोंट यू थिंक? ये तो जनरल बात हो गई, हम स्पेसिफिक बात कर रहे थे। ये जो आए रोज औरतें चूल्हा फटने से जल रही हैं, मर रही हैं, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी बात तो अवेयरनेस फैलाना है। यहाँ तो किसी को ये भी नहीं पता कि औरत और मर्द के जो 48 क्रोमोसोम्स हैं उसमें से 47 क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं। सिर्फ एक क्रोमोसोम है जो मुख्तलिफ है। लेकिन जिस तरह हमारे माशरे में औरत और मर्द के साथ अलहदा अलहदा सलूक करते हैं उससे तो ये लगता है कि 48 के 48 क्रोमोसोम्स मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ लोग पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझते कि औरत औरत होने से पहले एक इंसान भी है। और फिर रोजाना हम ये बात देखते हैं कि एक माइनर सर्जरी के बाद औरत मर्द बन जाती है और मर्द औरत। एनीवे, ये तो सारी एकेडमिक बातें हैं, असल बात है शऊर पैदा करना। और ये शऊर सिर्फ औरतों में नहीं पैदा करना चाहिए, मर्दों में भी। ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें 50% से ज़्यादा आबादी की पार्टिसिपेशन का कोई तस्वुर ही ना हो। सेमिनार्स और वॉक्स आप लोग ऑर्गेनाइज करें, अखबार में हाईलाइट करना, और मीडिया मैनेजमेंट मेरी जिम्मेदारी है। बोलिए। आपका कारनामा प्रिविलेज मोशन तहरीक इस्तेहकाक पेश हुई है असेंबली में हमारे खिलाफ। मैं डरता हूँ तुम्हारा वेंचरिज्म मुझे ले डूबेगा। सर प्लीज मुझे ब्लेम ना दें, सारा काम आपकी अप्रूवल से ही होता है और फिर ये प्रिविलेज मोशन ही पेश हुआ है, कोई कयामत तो नहीं आई है? नहीं नहीं, आप कोशिश कीजिए, लाइए लाइए, कयामत लाने का बंदोबस्त कीजिए। देखो मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे एडवेंचरिज्म से, और हर महीने कोई ना कोई नया तमाशा हो जाता है। तमाशा तो रोज भी हो सकता है सर, दिस इज अ डेली न्यूज़पेपर, बल्कि एक दिन में 2-3 दफा भी हो सकता है। अगर आपको मंजूर नहीं है तो मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपकी ड्रॉ में पड़ा हुआ है, उसको निकालें, उस पर डेट डालें, एक्सेप्टेड लिखें, उसको साइन करें और एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दीजिए। ना बांसी रहेगी ना राग छिड़ेगा। फॉरगेट इट सर। वो देखो सिकंदरीन फिर लड़के निकल गई है, उसे रोको। हाँ यही अंदर कहीं होगी, और रिसेप्शन से कह दो उसे बाहर ना जाने दें। मुझे कहना मैंने बुलाया उसको। क्या कर रहे हो सिपाही, यू आर ऑलवेज सो क्लमजी। क्या बात है, बड़े गुस्से में दिखाई दे रही हो। मेरी छोड़ो, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कोई मैगजीन एडिटर मुझे ऐसी फोर्स कर रहा है कि सर्कस पे फीचर करो। तो कर ले, तुम्हारी तो मत मारी गई है। सर्कस पे फीचर करना कोई बच्चों का खेल है, और मैं कोई खाना बदोश हूँ? उनके साथ ट्रेवल करना पड़ेगा, उनके यहाँ जाके रहना पड़ेगा, इट कांट बी अ टेबल स्टोरी। मेला मेला शहर शहर उनके साथ चंद हफ्ते गुजारूंगा तो बनेगा कोई ढंग का फीचर, और मुझसे नहीं हो सकता ये सब कुछ। घोंचू, तुम्हें जर्नलिस्ट नहीं कुछ और होना चाहिए था। पागल, यही एक्साइटमेंट, यही एडवेंचर, यही थ्रिल तो जर्नलिज्म है। यही थ्रिल, यही एडवेंचर, यही तो जर्नलिज्म है, तो तुम कर लो ना। मैं तो कर लेती, लेकिन मेरी चिक चिक हो गई एडिटर के साथ, मैं तो रिजाइन कर आई। क्यों? बस क्या बात है सिकंदरीन बीबी, आप यहाँ खड़ी हैं और मैं आपको न्यूज रूम मैगजीन सेक्शन और रेफरेंस सेक्शन में ढूंढता फिर रहा हूँ। लड़ती आप हैं और शामत हमारी आ जाती है। चलिए आपको वो बुला रहे। उन्हें कह दो मैं नहीं हूँ, चली गई हूँ मैं यहाँ से, मैं नहीं जाना। शामत तो फिर भी मेरी ही आएगी, वो घर चले जाएंगे, आप फिर वापस आ जाएंगी और मैं फिर रूटीन के मुताबिक बेइज्जत हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो। गुस्सा उतर गया, अकल आ गई। देखिए अंकल, आप फिर अंकल एडिटर इन चीफ को दफ्तर में सिर्फ एडिटर इन चीफ। स्कंदरीन, तुम मेरे लिए सिर्फ एक जर्नलिस्ट या फीचर राइटर नहीं हो, तुम मेरे दोस्त खिलजी की सिर्फ बेटी नहीं, मेरी बेटी भी हो। लेकिन मैं डरता हूँ कि तुम्हारे इस एडवेंचरिज्म की वजह से। ओके ओके, मुझे पता आप आगे क्या कहने वाले, कहीं तो दोहरा दूं। आई एम गोइंग टू हैव सम कॉफी, इन द मीन टाइम आप इनको फारिग कर दें। ऑलराइट,
तनवीर बेटा, yes, ये रोशनपुर के नुमाइंदे ने हमें एक फैक्स भेजा है। ये कोई जाफर करे हुआ है पॉलिटिशियन, इसको जाकर खुद इन्वेस्टिगेट करो। आई डू दिस। आप भूल गए सर, प्रिविलेज मोशन के पीछे भी इस बंदे का हाथ था। हमने अपने फ्यूचर में इसको भी तो खींचा था ना, इसी ने तो मूव किया है। आई डू दिस। कहाँ रह गए थे तुम लोग? जीप खराब हो गई, वहीं पर 10 मिनट फालतू लगे। कोई फालतू बात नहीं चाहिए, कल शाम तक मुझे बस्ती खाली चाहिए। खाली मैं खुद करा लूं, लेकिन उसमें मेरा नाम आ जाए। करे जी सरकार, अपने बंदे ले जाओ और कोई बाहर का बंदा ना आए, उसे फौरन खाली करा, मगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए उसमें। जाओ तुम लोग मुंशी से जाके मिल। अपने इलाके के बादशाह और आपके गुलाम का आपको सलाम पहुंचे। टाइम हो, फुर्सत मिले तो हमें भी याद कर लीजिएगा। वेरी गुड मीना, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आपने काम किया, वेरी गुड। बट सब नेक्स्ट सीक्वेंस बताएं। आप ऐसा करें, आप बैठे और मैं अभी आपको बताता हूँ। आप बैठे पीछे थे। हाँ। असलम जी बस। हाँ भी, वो जंप ले लिया जो ऊपर का था? हाँ जी बस, वो सारे शॉट हमारे कंप्लीट हो गए, जितने शॉट थे वो सारे हमने ले लिए। नताशा जी, कोई फोन तो नहीं आया? फोन तो बंद है। क्यों? शूटिंग स्टार्ट करने से पहले सोदी बार साहब ने सबके फोन बंद कर दिए थे। अच्छा देखो, कोई मैसेज तो नहीं? जी अम्मी का फोन है, नया एसी अभी तक नहीं पहुंचा, घर में सब इंतजार कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब का फोन है। नंबर लिखवाए? जी नोट कर लेना बाद। ठीक है। बाजौर से शेरोज खान साहब का फोन है, आपका काम हो गया है। ओके। मलिक साहब का फ़ोन है, शूटिंग्स के लिए डेट मांग रहे हैं, देखेंगे। और ये मैसेज आपके सुनने का है। सर्कस कहाँ हो रहा है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करो और वहाँ डेरा डालने की इजाजत लो, ठीक है? फिर आना मेरे पास। क्या है अब? जरूरी बात करनी थी तुमसे। अल्लाह, एक साल से मैं सुन रही हूँ जरूरी बात, अब कर भी दो।
यहाँ माहौल कुछ सही नहीं है। ये तुम कंप्यूटर में हर वक्त दुखी गजल सुनती रहती हो ना, इसने वैसे मेरा मूड बड़ा खराब कर दिया है। बात फिर कभी करेंगे किसी पुरफिजा मुकाम के ऊपर। अच्छा जाओ, मेरा दिमाग ना खिला वजह टाइम वेस्ट करने आ जाता। खेल के अगले राउंड में मेरा साथ दे। कोई नहीं, एक है। खतरनाक खेल ही तो पसंद है। एक मिनट, मैं वो पाई के केला चलाऊंगा। तैमूर खान अपने वक्त के चैंपियन अकबर खान का बेटा। शौक तो ट्रेपीज का है, लेकिन मेरी जिंदगी इस मौत के कुएं में कैद है। मुझे भी ट्रेपीज का शौक ही यहाँ खींच लाया। सिर्फ ट्रेपीज या बचपन में एक फिल्म देखी थी तुम्हारे सर्कस में, ट्रेपीज देख के बचपन का शौक फिर से जवान हो गया। और फिल्म का नाम भी शायद ट्रेपीज ही था। ये मेरी और मेरे बाबा की भी फेवरेट फिल्म है। लो भाई, मेरा तो टाइम हो गया, तुम्हारी सर्कस में ट्रपीज का आइटम शुरू होने वाला। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे सर्कस के हर आइटम का टाइम मुझे तो क्या, मेरी घड़ी को भी याद हो गया। पहला शो 12 मिनट देर से खत्म हुआ था, अब आखिरी शो की घंटी बजने वाली है। शो के बाद जरूर मिलना, मैं इंतजार करूंगा। डेफिनेटली।